जब सरकारी सिस्टम लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उनकी अनदेखी करे, जब शिकायतकर्ताओं की फाइलों को अधिकारी ठंडे बस्ते में बंद कर दे, जब शिकायत पत्र सरकारी कार्यालय के किसी स्टोर रूम में धूल खाते रह जाएं, तो इसका हर्जाना भुगतती है आम जनता। कुछ ऐसा ही हुआ है मुरादाबाद के मछरिया गांव। जब जनता को दरकिनार कर सरकार कुंभकर्णी नींद सो गई, तो गांव वाले निराश और हताश हुए। ऐसे में ग्रामीणों ने गांगन नदी पर अपने ही प्रयास से एक लकड़ी का पुल तैयार किया। सरकार की अनदेखी के बावजूद लकड़ी का पुल तैयार कर ग्रामीणों ने एक मिसाल कायम की। ये है मछरिया गांव के रहने वाले महेश सैनी, जिन्होंने लोगों को आवाजाही की सुविधा दी। इन्होंने गांगन नदी पर लकड़ी का पुल निर्माण करने की पहल, जिसका गांव वालों ने खुलकर समर्थन किया। ये मैं 3 साल से बना रहा हूँ, मुहासे के लिए ये कोरा फोरा आ जाता है उसके लिए, और ना तो चौमासे में तो उस पुल पर उतरे हैं। शहर वाले भी जाते हैं और खेती बाड़ी के वाले भी जाते हैं, ट्रेन आती है, कोई आदमी कूद भी जाता है। कोई पानी उतरने के बाद में फिर हम लकड़ी लाए, काट का कम दिवर्ती 15,000 का खर्चा है। 15,000 रुपए की लागत से बने इस पुल के जरिए गांगर नदी को पार कर खेतों में काम करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा हो रही। दोपहिया वाहन चालक भी पुल के जरिए नदी पार करते हैं। पुल की मरम्मत और देखभाल के लिए दोपहिया वाहन चालकों से ग्रामीण 5 से 10 रुपए लेते हैं, जबकि पैदल, साइकिल सवार और कामकाजी लोगों के लिए ये निशुल्क है। या तो भैया कभी ज्यादा इमरजेंसी से पुल करते हैं, नहीं तो फिर प्रवाद होके जाना पड़ता है। रेलवे के पुल से भी जाते हैं? हाँ, जाते हैं लोग, लेकिन जब से यहाँ से हादसा हुआ, जब से कोई नहीं जाता, सबसे दिक्कत है। हाँ, लगने लगे। हादसा क्या हुआ था? दो बच्चे आ रहे थे यहाँ पर, 2-3 बच्चे, उनका एक्सीडेंट हो गया था इससे। अच्छा, अभी तो बहुत सुविधा है हमारे लिए, तो बहुत आसानी होगी, नहीं तो हमको इतना घूम करने जाना पड़ता था। कितने किलोमीटर बच गया आपका? कम से कम 8-10 किलोमीटर। लकड़ी का पुल बनाने से ग्रामीणों को नदी पार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन ग्रामीणों को अब भी बरसात की चिंता सताती है। जब गांगर नदी के बहाव के चलते इस पुल को निकालना पड़ेगा, तो गांव वालों का क्या होगा? स्थानियों के मन में बस एक ही सवाल रहता है कि आखिर पुल का निर्माण कब होगा। इस लकड़ी के पुल की वजह से अब ग्रामीणों को 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर गांगर नदी को पार नहीं करना पड़ता है। ग्रामीणों के इस प्रयास की हर कोई सराहना कर रहा है, साथ ही यह प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो निराशा और हताशा में हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। भुवन चंद्र, ईटीवी भारत, मुरादाबाद।